see oh هرون تنزيل من رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله وكفى <بقفى> والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى.

ये माल और औलाद है जोड़ा असल फितना है इस तो निकलो और इन सिर्फ आजमाइश का समान समझो तो अल्लाह ताला दे इस कलाम के न अपने अंदर नूर पैदा करो और फिर अपने माल न खपाओ अल्लाह की राह तुसी दर्जे पालो जो अल्लाह ताला दे हाँ, उन्होंने लोगों के दर्जे है ते अल्लाह का इनाम होया अगर नहीं करोगे ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਹੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੁਰਤੇ ਜਾਓ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਇਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜਿਓ ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਫਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਗਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਜ਼ਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੜੀਆਂ ਹੈ ਖਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੂਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੂਰਾ ਚੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਤਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ए लमो वन अमल हयात दुनिया लाबुम व लाहीनतुम व तफाखरुम बैनाकुम व तकासरुन फिलमाल वौलाद चंकी तरह जान लो ये दुनिया की जिंदगी जड़ी है ये तो है खेड तमाशा जेबो जीनत व तफाखरु बैनाकुम और आपस में एक दूसरे तो फख्र कर जरिया व तकासरुन फिलमाले वौलाद और फिर ज्यादा तो ज्यादा समेट का माल तो औलाद ये हैं पाँच दौर जोड़े हर इंसान से गुजरते हैं इन चो गुज़र के वो जिंदगी खत्म हो जाती इन्होंने कोई भी मुस्तक रहा सब तो पहला दौर है लाइबोन खेड का बच्चा हों तेन चार साल ती बस वो खेडता ही आई पता नहीं हूँ की मैं करदा की नहीं बस खेड के गुजारता है ਵੱਲਾਹਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਜ਼ਜ਼ਤ ਵੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਰਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਜੀਨਤ ਫਿਰ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਪ ਟਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੋਹਣਾਪਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ اچھے تو اچھے کپڑا پنے۔ من صور کے نکلے گا۔ یہ دور ہے جیڑا اودے تے گزردا ہے۔ متفاخرم بینکم پھر دور ہوندا ہے جدوں 15 20 سال دا ہوندا ہے تے دیکھدا ہے کس ماحول دے وچ تے اگے ودنا جیڑا ہے وہ ہے سب تو معاملہ میں دوسرے نالو اگے ود جاؤں۔ پھر اونوں فکر ہوندی ہے कि किस तरह मेरी जी है इज्जत हो ज्यादा तो ज्यादा हो जाए मेरा वकार ज्यादा तो ज़्यादा मैं मिले चंकी नौकरी मिले कारोबार बड़ा जोड़ा वो सैट हो जाए और मेरा वचका बन जाए यह दौर जो ओनू सिर्फ अपना जोड़ा है मुसाबकत एक दूसरे के उधना तो एक दूसरे को चंगा होना जास्ते फिर उ, अपने आपू खपा है ਔਰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ ਔਰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮਨਸਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਕਾਸਰ ਫਿਲ ਅਮਵਾਲ ਬਲਾ ਉਲਾਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜਾਪੇ ਦੀ ਤਰਫਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਮਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ कि मुछ ना नीवी हो कुछ सारा जाता रहे मेरा इज्जत और मुकाम जरा बन जाए उदो कोई परवाह नहीं हूँ पैसे लेकिन जो बुढ़ापा आंदा तो फिर आता मुछ नीवी होंगी माल ना जाए क्यों फिर इन सारा समझद ये अपना सारा तवक्ल जरा है वह फिर औलाद पर माले आ जाए फिर उन्हों का वाधा जही सब तो वो खाश बन जाती ये हैं पाँच दौर जो ध्याे गुजरते हैं कमसले गए सन आज अबल कुफारा नबात हो जिस तरह के खेती देते दौर गुजरते हैं कि जो कोई काश्तकार जड़ा वो बीज बोहता है और बारिश वसती है वास तो वो नबातात उगदी है खेती उगती है तो कि चंकी लगती है सुमा या हीज हो फिर खेती जी जवानी न पहुँचती है फतराह मुस्फरन लेकिन कुछ ही देर बाद देखते दे हो कि दर्द हो जाती सुम्मा यकून वह तामा और फिर वह रेहदा रेहा होकर उस जमीन मिल जाती इस ही तरह याडे ते भी ए, दौर उजरते हैं लड़क पढ़ा है फिर बन समरदा है फिर जवानी का दौर आता और फिर बढ़ापा आ जाता है ये है ये जिंदगी इस तो ज़्यादा यदि है हैसीयत नहीं व फिर आखरत अजाब उन शदीद मखरत उमन अलाह व रिजवान लेकिन इसे नतीजे विच आखरत विच या तो शदीद तरीन आजाब होगा या फिर अल्लाह की मकफरत तो रजा हासिल होगी यह जिस तरह तो सह दौर गुजारे जिस नज़रिए गुजारे उ नतीजा निकलेगा अगर तो सामने रहा कि सारा एब तला समान है अजमाइश का समान है और असल जिंदगी आखरत की जिंदगी है तो फिर अल्लाह की मफफरत भी हासिल हो जाएगी और तो रज़ा भी मिलेगी और अगर इन ही सब कुछ समझ लिया और इसे इस तो रीझ गए तो फिर आखरत में अज़ाब शदीद होएगा। जिस तरह नबी अकम सरमाया कुल्ल ना आस यू हर इंसान सुबह करता है फबा उ नफसाहू फिर वह अपने नफ्स नेजता है अपन सलाहियत है, अपने औकात कार लादा है अपनी मेहनत करता है भज दौड़ करता है लेकिन जो शामू लौटता है फबा उन् नफसाहू अमोते कुहा फिर फमाए नफसाहू जो फिर है मूह बे कुहा मोहते कुहा या तो अपने नफ्स न जहन्नम तो आजादी का परवाना लेके लौटता या वह ईंधन बना के लौट क्योंकि जिस तरह उन्हें दिन गुजारे जिथे सलाहियत लाइया अगर तो अला की नाफरमानी चलाई अपने नफ्स की खाश त लाइया इस दुनिया वास्ते ही आईया तो फिर वो जहनम ईंधन लेके लौटे और अगर उन्हें अल्ह की फरमा बरदारी चला के सलाहियत लाइया ने अपना मार्ग जो खर्च किया तो फिर वह आजादी का परवाना लैके लौटा यही है जी हकीकत इसे दसी गई है एदा ही है जड़ा नबी अक्म सल्ला वसलम ने तर्जमानी फरमाई फरमाया व मल हाया तो दुनिया अल्लाता हरूर और चंकी तरह जान लो ये दुनिया का सामान तो धोखे का सामान अगर ये रीझ गए तो ये तो इतें ही रहेगा और ते कम नहीं आएगा बड़ी हसरत जाना पएगा और दुनिया के समान तो कभी भी कोई इंसान जड़ा रजिया नहीं ਇਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਗੋਂਦੀ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨੰਗੇ ਨਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ guzਰੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਮਿਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗੋ ਦੀ ਰੰਗਦਾ ਤੇ ਫੇ ਹਸਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ اطمینਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਵੇਂ ਪੈਦਲ ਮਾਰ ਪੈਦਲ ਮਾਰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਕਾ ਭੁੱਖਾ ਪਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮਤਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਲੱਗੋ ਦੀ ਕਾਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਸਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐ ਤੇ ਯਾਰ ਮੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂਵੇਂ ਭੇਜਾਈਦਾ ਤੇ ਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰਦ ਪੈਂਦੀ ਓਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਪਜਾਰੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਮਤਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਸਰਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਲਾਲਚ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਭਰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਅਕਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ فرمایا ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਇਹਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਾਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ فرمایا ਬਮਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ ਇਲਾ ਮਤਾਉਲ ਗਰੂਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਨੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਗਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨਬੀ ਅਕਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ मन काना मन काना तिल दुनिया हमा हू ज शख्स दुनिया ने अपना गम बना लाल ला अल्लाह फकरा बैना आए नए तो अल्लाह फिर दो अखा के दरमियान फकीरीर ही लिख दें घर भरया हुंदा लेकिन वह फकीर हुंदा क्यों उदी चाहत पूरी नहीं हुंदी उदी ख्वाहिशा पूरिया नहीं होंदिया वह तो अगह वास्ते आस ला के बैठा उदी नज़र त ही हुंदी है इस करके फकीरी की जिंदगी है जी गुजार फरमाया वफर का अल्लाह तला फिर जेडे मामलात ने उन्होंने नु बखेर देंदा है फिर निकिया निक्किया चीजा उन बड़िया बड़िया व्डिया नज़र आंदियां हलकान हो रहा हों लेकिन वलम याद ही दुनिया अला वा कुदेरा लहू दुनिया चो मिलता वही है जरा अल्लाह ने मुकदर किया और अगर पा भी लगा तो साथ नहीं दे इत रह व मन काना तिल आखरा तो हमा ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਮ ਬਣਾ ਲੇ ਜਦ ਅੱਲਾਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫੀ ਕਲਬੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗਨਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਤਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ گزارਦਾ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ گزارਦਾ ਹੈ ਬਜਮਾ ਸ਼ਮਲਾ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ कोई एहसास ही नहीं रहा उन्हों की कदर ही नहीं रही वही तहत दुनिया वाहिया यार राग मतुन और दुनिया का सामान अल्लाह ने उन्हें आजमाइशली देना और जली रो के आंकड़ा यह है जो असल फर्क वाकई हूँ इस दुनिया को ही दुनिया की जिंदगी सारी जिंदगी समझते या फिर जिंदगी की हकीकत जान के इंसान आखिर तालिब बन जाए

फिर वधन की कोशिश करो जो हमेशा रहने वाला है तो उ कोशिश करो जी हमेशा कम आने वाली है अल्लाह वा तला जन्नत अल्लाह की मकफरत तो इस करके फिर मैं एक दूसरे कोशिश करो साबे मकफरत मैं रब जन्नत एक दूसरे को अगे दौड़ लाओ एक दूसरे को अगे बाजी लाने की कोशिश करो कहते अल्लाह की मकफरत हासिल करने और जन्नत हासिल करने हा कर समाज व लस जेदी चौड़ाई इन्नी है जिनी आसमान और जमीन दुसत नजर आ रही वो इद्दत अला जी न मनू बिल्ला वसुल लेकिन अला ने तैयार की है उन्होंने जेडे ईमान लियागे अल्लाह और रसूल से हाँ जेडे जिंदगी उस ईमान के तहत खर्च कर अला के और रसूल मन के उन्हें अतात ज अपन सारिया सलाहहीयत लागे तो जिंदगी दौर गुजारन उन्होंने अला ने की है जाले का फजल ही होती है महिशाह ये है अल्लाह का फज़ल अल्लाह तला देता है जुन चाहता है जहाँ भी वो फजल का तालब बनता है तो वो तरफ रज़ू करता है तो अल्लाह फिर अपना फजल उनता कर जल फजल लाजीम और देखो अल्लाह बहुत व्डे फजल वाला इस करके फजल के तालब बनो कि मतलब एक दूसरे त हसर ना करो बल्कि अल्लाह को मंगो और अल्ह से कोव करो तो इस करके तरफ वध मेहनत करो और अल्लाह को दुआ करो अल्लाह तला देने वाला वो हाँ कोई काटा नहीं वो बड़े फजल का जड़ा है वो वारस है वो है तरन वाला और देखो माल और दौलत अगर जमा करके रखोगे समझोगे मुसीबत कम आएगा यह मैनू बचा लेगा तो देखो ये चीजा कम आने वाली नहीं माँ स्वाबमोसीबत अला वाला फ़ी अन्फुम अल फी किताब ए कबले न अच्छी तरह जान लो जो कुछ भी तेरे ते वारद होंख्यार है, है जोड़ा तड़ा मालिक है वनूँ टाल नहीं सकते ये माल दौलत जी है, है किसी काम नहीं आ सकती क्यों ये सारियाँ चीज़ा तो अजमाइश का समान और जो कुछ भी अल्लाह ताल ने जो है तैडे वास्ते वारद करना है इस जमीन भी और तेरे लिए भी वो इस करके वारद करना कि तैनू अजमा है कि देखना है कि तै तो अल्लाह की तरफ निगाह जाती है या असबाब की तरफ निगाह जाती और हो के रहा जो कुछ भी है क्यों अल्लाह तारा का मुइयन किया हो फरमाया मा साबम में मुसीबत इन फिलरस नहीं पहुँच कोई पहुँचने वाली मुसीबत जमीन तलाफियाम और ना ही ते अपने जिया इफ़ी किताब इनकबले नभ रहा मगर वो तो साढ़े को लिखी हुई है इस तो पहला क्यों जाहिर हो दुनिया तो जाहिर होने साढ़े को पेल लिखी हुई है इन नजारे का अल्लाह यसीर और अल्लाह ताला तला बड़ा आसान है क्यों अल्लाह ताला दे इलम भी कामिल है अल्लाह की कुदरत भी कामिल है इस करके पारव नहीं उदा इलम हर चीज़ ते हावी है इस करके उन्हें सारिया चीज़ा पहला लिख छड़िया ने इस दसया जा रहा है कि तेजा यकीन अल्लाह की जात आ जाए ऐसा तवक्ल पैदा हो ताकि इन्होंने चीज़ों के उत्तर जी खुशी आँदी है वे अतराओ नहीं तो जी गमी आती है उत्ते वावेला ना करो बल्कि उन्होंने चलो कि जिंदगी का तकाजा इन्होंने चीज़ा देरी अल्ला अजमाया यही आजमाइश का समान है, है इस करके चीज़ा बयान कितिया जा रही इस मफर कोई नहीं इस तो तुम माल दौलत ना बच नहीं सकते ले कहला ता सोला इस करके तैन दसिया जा रहा ताकि अफसोस ना करो उस जी तो चीज़ जाती रही वाला तफराहू बिमाता कुम और ना वे इतराया करो जी तू मिली है। क्यों यजमाइश का समान है और जिन्होंने ज्यादा दिता उसकी अजमायश पारी है और जिन्होंने कट्ट मिले और अजमायश सौखी है यह है, है असले हकीकत इनू इसे ही तरह समझो ये औलाद जी है नहीं है अजमाश का जरिया इन्हें तो क्या मदद पछाड़ना भी और माल भी याडा नहीं इत जाना इस करके फरमाया ले कहला सौला माफाता कुम वह दिता होया अगर वह लै ले ला है तो वेद फिर अफसोस ना करो ये खुद बखुद नहीं होया मर्जी ना हो तफरा तफराहू बिमा अताकुम और जो कुछ तैन अता, अता है अल्लाह की अता है तो सिर्फ कमाई नहीं इस करके अतराया ना करो वला युहिबक उला मुख्ताल फखूर क्योंकि अल्लाह तला पसंद नहीं करता हर शेखी खोरे नकबर करने वाले तकबर जरा है मालते आता अपनी मेहनत ने जो कमाया हो इंसान समझद मेरा है और वो दी बुनियाद पर जहाँ है गरूर वो दी अंदर आ जाता है और फिर बुनियाद पर शेखियाँ जरा बुखार दलांकि इतने जो कुछ भी दिता गया अजबाइश का समान है अल्लाह ने पता से कि दे के जमा है कि ना दे के अमाणा है उस वास्ते अल्लाह तला करता है यह जरा कुरानी मजीदे बार बार दसिया गया इन्हें रब अबस तो रिज कलमाइए शाह वो यकदिर रब है जेड़ा जेदे चाहता है ਇਸਦੀ فراਵਾਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੂੰ ਚਾਹਦਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਇਨਹ ਕਾਨ ਬੇਬਾਦੇ ਹੀ ਖਬੀਰਮ ਬਸੀਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖੂਬ ਬਸੀਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਲਾਈਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੌਲਤ ਤੇ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਜ਼ਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ये फखर नहीं और शेखिया पखारन का नहीं और ना ही जमा करके रखन्दा के सारा बनेगा अल्लाह जी जीना जब खरून वरून ना सबिल बुखल जेडे लोग भी बुखल करते और लोगों भी मशवरे देंगे बुखल कर दूसर भी समझाते हैं खुद माल सीन सीन के रखते और दूसरे को कहें बचा के रख ना लाई जा अल्लाह दराज खर्च ना कर लोगों के उत्ते तू खर्च ना करू अपने वास्ते संभाल के रख तेरी मुसीबत काम आएगा यह जहाँ का त्वक्ल सारा मालते हों जरा बुखल उन्होंने दिलों के फिर वो वुकत पैदा हो जाती जरा दस्या दूसरे मुकाम कुरान मजीद तिंगल इंसान आ खुले का हलूवा ऐजा मसाओ शर ओ जजुआ वैजा मसाओ खैरो मनुआ इंसान बड़ा थुट दिला जो तकलीफ आँदी है तो जजा फजा तो आ जाए तो जो अल्लाह माल दौलत देता तो समेट समेट के रखता उन्होंने क्यों ये कम आएगा मेरी मुसीबत और यह है जो मैं बचा वाला के पता है कि कमाई कम नहीं आने वाली वो माल तरे का तरह रह जाए जो अल्लाह तौला हुक्म ता हों कोई बचा नहीं सकता और रखा के सामने फिर अल्लाह तला फरिश्ते जान क लै जाए मगर ना सरमाएदार तो मरनी ना बीमारी ना हो और कोई भी साहब इकतदार जो कभी बड़ा पावे ना।, ना वे कभी जवाल ना आवे नहीं ये सारियाँ चीज़ा आजमाइश का समान है इस करके फरमाया अल्लाह जी ने यब ना जे लोग भी बुखल करते तकाजा है अलाज खर्च कर खर्च नहीं करते बुखल इन्हू कहते अल्लाह तालीन मखलूब है और गलबे चाहिए है कि माल लाया जाए और जान लाई जाए और वक्त लाया जाए लेकिन वह बचा बचा के रख रहा है उन्होंने सेंध सेंध के रख रहा है भैया मरून नासा बिलबुखल तो दूसरों भी मशवरे दें बुखल दूसर भी है एक कम आने वाला संभाल के रखो ना खर्च करो वमईया तवल और अच्छी तरह जान लो जो भी मूँ मोड़ता है अल्लाह ताल की ना फरमानी करता है ना शुक्री करता है फैन अल्लाहल गनी उल हमीद जान लेना चाहिए अल्लाह तो गनी है तो हमीद है अल्लाह तालू इस पैसे की जरूरत नहीं अल्लाह ताल जो यदा मुहताज नहीं है वो तो गनी है तो उसे सारे दे सारे जोड़े है वो सर्कश हो जाओ तो वो खुदाई कोई फर्क नहीं पैता और सारे दे सारे वह ताबे हो जाओ तो तभी उन्होंने कोई वादा नहीं हों खुद मुख्तफी है वाल सामद है हर कोई वो मोहताज है वह किसान मोहताज नहीं वह गनी है उन्होंने इन्हों चीज़ों की जरूरत ही नहीं अलहमीद वो खुद दुद्धा सफात है वोदिया सारिया सिफत अपने बल बोते है किसी नहीं अल्लाह की खुदई है तो अपनी कुवत चल रही है किसी के सहारे ते नहीं चल रही है। नहीं है कि कोई उस जरा मदद करेगा ते खुदाई जड़ी है तो फिर ही उसकी खुदई जी चलेगी यी धोखा है इंसाना हो जाता है योखे तो क्डन वास्ते मजीद मजीदी बार बार इस चीज़ में बयान किया जाता अल्लाह गनी है और हमीद है यही अवमां कदर उल्लाह का कदरे ही इन अला कभी नाजीज रोको तुम अल्लाह तला पहचान देनी जिस तरह पहचान न और खुद कवि है और खुद जबरदस्त है किसी के सहारे मल मलकर नहीं चल रही किसी के सहारे देते खुदाई नहीं चल रही कि वो मुहताज होए किसी का वह कम नहीं आने तो नाराज हो जाएंगे इस करके उन्होंने जीडिया वो सिफारशा मने या उन्होंने कोई गलत जी है चीज़ मने ऐसा नहीं है यह हकीकत जी सामने रखनी चाहिए है ये माल दौलत वही समझना चाहिए जिस वास्ते अल्लाह ने दिता होया सिर्फ अजमाइश का समान है ये इंसान का साथ देने वाला नहीं अल्लाह ने इथे अल्ला तलक जोड़े ने तो सिर्फ अजमाश वास्ते जोड़े क्या मतलब हर एक ने खुद ही जवाबदेह होना किसी ने किसी जगह पर उत्थ पेश नहीं होना और ये जान लेना चाहिए है। माल जो है इसे ही दुनिया का है उसे किसी को गफारा नहीं लिया जाएगा कोई फिदिया नहीं लिया जाएगा कि इतने की मालौलत जी उम्म आ जाए उतराने तो तो मजिद है, दुनिया का सारा समान किसी होर हो, हो फिर भी उत्थे, देना तो उत्थे, उत्थे वो कबूल नहीं होएगा तो देखा जाएगा ईमान और अमल के दे हिसाब के न जिंदगी गुजारी कैसी थी तो जगह किरदार की वोदे हिसाब ना उ सारा मामला होना यह हकीकत जी मुख्तिफ़ पैराए के समझाई जा रही है अल्लाह तौला इस हकीकत को सामने रख के इस दुनिया की हैसीयत को सामने रख के ये सारे ही दौर जड़े ने ये जान वाले ने मुस्तक रहने वाला नहीं और अजमाइश वास्ते अला ने सारे दौर के बचों इंसान गुजारिया ये सामने हकीकत रख के अल्लाह सू ज़िंदगी गुजारने की तोफीक दे और अल्लाह की फरमा बरदारी गुजारने की तोफीक दे, दे। ताकि आखरत अल्लाह की मगफरत और उस जन्नत हासिल होए बारक अल्लाहली वलकुम फिर कुरान रज़ीम व नफ़ानी ब्याकुम बिल आयात वजह कम